नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। आज इस वीडियो के अंदर कोई टेक्निकल बात मैं नहीं बताने वाला हूं आपको, मैं एक वीडियो शेयर करना चाह रहा हूं आपके साथ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। इस वीडियो के अंदर जो है मैं श्रीमान हरदेव सिंह जी बढ़िया की रिटायरमेंट पार्टी, जिनको जाखोद स्कूल से रिटायरमेंट हुआ है, उसके बारे में उसी के रिलेटेड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आपको देखने के मिलेगी बच्चों की कुछ प्रस्तुति और किस तरीके से उनको मान सम्मान के साथ रिटायर किया गया, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड आई होप आप वीडियो को इन्जॉय करेंगे। और वीडियो है जी, थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत मिलती रहेगी। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं एक ब्यूटीफुल टाइम लैप्स के साथ। ॐ भूर्भुवः तत्सवितुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः तत्सवितुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः तत्सवितुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं सरस्वती वंदना के लिए बालिकाओं को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, वो मंच पर आए। सैन्य सेवा में कार्य किया, फिर शिक्षा विभाग में अपनी सेवा दी है। आज अधिवार्षिक की आयु पूर्ण करके हमसे विदा हो रहे हैं, तो हमें कैसा लगता है? कोई भी प्रसन्न मन से विदाई नहीं देता, क्योंकि विदाई शब्द ही कुछ ऐसा है। कौन चाहता है हंस के विदा होना? कौन चाहता है हंस के विदा होना? कुछ रस्में निभाना जरूरी है। दूर होने का गम क्या है आज पता चला, दूर होने का गम क्या है आज पता चला। आपके बिना हर चीज अधूरी है, हर चीज अधूरी है। वास्तव में किसी ने सही कहा कि व्यक्ति के गुणों का दर्शन हमेशा अतीत में होता है, भूतकाल में होता है, सामने होता है तो लोग भूगुण ढूंढते हैं, लेकिन भूल जाते हैं तो फिर सारे जो गुण होते हैं वो याद आते हैं। सही बात है, स्वर्णिम युग के दर्शन हमेशा अतीत में होते हैं। आज हमें बड़ा
अटपटा लग रहा है, हजारों मंजिलें हो। हम दुआ करते हैं हमेशा आप खुश रहना, ये दुआएं हमारी, हमेशा आप खुश रहना, ये दुआएं। जैसा जिसका कार्य होता है उनको वैसे ही औजार देने चाहिए। अभी ये वृद्ध तो हुए नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से आज ये कागजों से रिटायर हो रहे, तन और मन से रिटायर होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी तक तो ये कह रहे कि मैं 10 साल ऐसे ही काम कर सकता हूँ। इसीलिए अब देश को सेवा की आवश्यकता है, तो एक घर इनको दे रहे हैं और जहां भी आवश्यकता विद्यालय स्टाफ की तरफ से एक ट्रॉली बैग दिया जा रहा है, जिसमें हमारे अरमान, हमारी यादें, हमारे विचार, हमारे हृदय के जितने भी आंसू हैं, विदाई के जितने भी दर्द हैं, वो समेट करके पूरे उनमें डाल रहे हैं। पढ़ते रहेंगे कि हम कितना याद करते हैं उनको, कितनी भावनाएं हमारी उनके साथ जुड़ी हुई है। तुम्हें इसके लिए हमारे विद्यालय की जितनी भी महिला कर्मचारी हैं, लेडीज स्टाफ को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और ट्रॉली रोक बैग लेकर के उनका सम्मान करेंगे। सभी महिला कार्मिक,
तालियों में भी कंजूसी कैसे आपके पुत्रों का सम्मान इसका तालियों के आपके जीवन में कभी खुशी कभी गम होता है, तालियां वही बजाते हैं जिनके आंखों में दम होता है। इतने लोग सम्मान के लिए आए, आपकी प्रतिष्ठा और कर्तव्य प्रायणता के प्रतीक है। आपकी मित्रता कितनी गहरी है, आपको लोग कितना चाहते हैं, सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। आज के इस विदाई समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान जी क्या बताना चाहिए और पिता होने वाले मेरे लघु भ्राता हरदेव सिंह जी बढ़िया बैठा था, जिला पार्षद श्री सोमजी जी लंबा हुए बताना चाहिए मेरे धन्यवाद साहब, बहुत अच्छे शब्दों के साथ बोलो। Thank you.
निरंतर कक्षा बारा मन पर आए निरंतर हो तो यहाँ आए अभी श्री हरदेव जी और श्रीमती निर्मला जी एक दूसरे का माल्यार्पण करेंगे। कुछ पुरानी यादें नहीं हो गई हमारे पूर्व गुरुवर प्रधानाचार्य पूर्व प्रधानाचार्य श्री मदन मोहन जी से मैं कहूंगा कि वो मन ही मन मंत्रोच्चारण भी करें तो सारी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मैं इनके लिए कामना करता हूँ कि पथ को खोना मत, जब आंधियां चले जमाने की गम में मत डूबना, आदत रखना मुस्कुराने की, आदत रखना मुस्कुराने की। इसी के साथ मैं आगे के अभी कुछ जो बच्चे भी भेंट लेकर आए हैं, बच्चे भी गुरुवर के लिए भेंट लेकर आए हैं, तो वो भी मंच पर आकर यहाँ पर जब से विद्यालय गांव के बीच वाली बिल्डिंग से यहाँ शिफ्ट हुआ है, तब से इस विद्यालय के अंदर इतनी प्रोग्रेस हुई है। और यदि ये विद्यालय अब तक वहां रहता तो इतनी छात्र संख्या बैठी नहीं थी। अभिभावकों के सहयोग से, विद्यार्थियों की मेहनत से और अध्यापकों के अथक प्रयास से ये विद्यालय का ब्लॉक में, जिले में और प्रदेश के अंदर जाकर विद्यालय को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर मेरे आने के बाद में तीन बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं। तीन बोर्ड परीक्षाओं के अंदर पहली बार मेरा जो पहला सत्र था उसके अंदर एक लड़की को स्कूटी मिली। दूसरे सत्र के अंदर दो बच्चों को राजभाषा विभाग ने जयपुर बुला करके सम्मानित किया। और तीसरे बैच के अंदर एक बच्ची को 90.20 और एक बच्चे को 90% नंबर आए और उनको महाराने और महाराजा कॉलेज में प्रवेश हो गया। 90 से नीचे का वो अप्लाई नहीं कर सकता है। तो इसमें हमारा इतना महत्वपूर्ण रोल नहीं है जितना विद्यार्थियों का। विद्यार्थी मेहनती होगा अध्यापक का भी मनोबल बढ़ता है, पेरेंट्स का भी, घर वालों का भी मनोबल बढ़ता है। अभी देखते यहाँ देखते हैं रोजाना जो बच्चा होशियार है, पढ़ाई कुशल बुद्धि वाला है, वो अनुपस्थित भी कम रहता है। और जो धक्का सारा पांच सात में एक दिन आ जाता है, रिजल्ट भी खराब करता है, खुद का कैरियर भी खराब करता है। आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो मंच के संचालक श्री महिपाल जी, ये हमारे बीच में रहते हैं इसलिए हमें इतना पता नहीं है। ये अपने ब्लॉक के अंदर प्रथम दर्जे के मंच संचालक हैं और जिले के अंदर गिने चुने के अंदर हैं। इनका मंच का संचालन मैं 3 साल से देख रहा हूं, साल में 2 पर होते हैं, इनका अनोखा तरीका है। और उसके लिए मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि ये भविष्य में इसको मेंटेन रखें। और विद्यार्थियों अभी गर्मी ज्यादा है, आप लोगों के लिए सबके लिए मिठाई की व्यवस्था की हुई है। यहाँ से ये समापन हो जाता है तो लाइन जाकर मिठाई लेके अपने घर जाना। और जितने भी बाहर से आए हुए मेहमान हैं उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था है, वो नाश्ता करके ही जाएं, ऐसे नहीं जाएं कोई भी। तो एक मैं थोड़े सुस्त हो रहा हूँ, छोटी सी रात नहीं और सुना देता हूँ। वो
नहीं और न तेरा अंधे मन से कह ले।